Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। हिंदू पंचांग का छठवां महीना भाद्रपद आरंभ हो रहा है। क्या है भाद्रपद महीने का महत्व? इस महीने में किन किन देवी देवताओं की पूजा होगी? इस महीने के नियम और सावधानियां क्या हैं? इस विषय पर बात करेंगे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक वास्तु टिप के बारे में और सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 20 अगस्त 2024 दिन मंगलवार, तिथि है भाद्रपद कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि, रात के 8:32 तक। नक्षत्र है शतभिषा नक्षत्र। चंद्रमा कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 3 से लगभग 4:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 20 अगस्त 2024 दिन मंगलवार को प्रातः काल 5:30 पर ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य, शुक्र और बुध विद्यमान हैं सिंह राशि में, केतु कन्या राशि में, चंद्रमा और शनि कुंभ राशि में, राहु मीन राशि में और मंगल तथा बृहस्पति विद्यमान हैं वृषभ राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशिफल कैसा रहने वाला है। सबसे पहले ये जानते हैं कि भाद्रपद का महीना क्या है और इसकी कैसी विशेषता है, इसकी कैसी महिमा है। देखिए, भाद्रपद दो अक्षरों से बना है, भाद्र और पद। भाद्र का अर्थ है कल्याण देने वाला और भाद्रपद का अर्थ है भद्र परिणाम देने वाले या शुभ परिणाम देने वाले व्रतों का महीना। भाद्रपद महीने की पूर्णिमा तिथि को पूर्वा भाद्रपद या उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र होता है, इसलिए इस महीने का एक नाम भाद्रपद है। आम बोलचाल की भाषा में लोग इसे भादो का महीना कहते हैं। ये महीना लोगों को व्रत, उपवास, नियम और निष्ठा का पालन करवाता है। अपनी गलतियों को याद करके उनका प्रायश्चित करने के लिए भाद्रपद का महीना सर्वोत्तम महीना है। मन को शुद्ध करने और मन में पवित्र भाव भरने में ये महीना काफी कारगर है। आप अपनी गलतियों का प्रायश्चित करना चाहते हैं, अपने मन को पवित्र करना चाहते हैं, तो उसके लिए भाद्रपद का महीना बहुत इफेक्टिव है, बहुत कारगर है। इसी महीने में गणेश चतुर्थी का बड़ा पर्व मनाया जाता है।
और इसी महीने में भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव भी मनाते हैं और इसी महीने में कलंक चतुर्थी भी आती है। भाद्रपद का महीना भगवान गणेश की पूजा की वजह से और भगवान कृष्ण की पूजा की वजह से बड़ा महत्वपूर्ण महीना माना जाता है। इस बार भाद्रपद का महीना 20 अगस्त से आरंभ हो रहा है और ये महीना 18 सितंबर तक रहेगा। भाद्रपद के महीने पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक वास्तु टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मेष राशि, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, धन का लाभ आपको हो सकता है, परिवार में आपके व्यस्तता बनी रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृषभ राशि, करियर की बाधाएं दूर होंगी, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, पारिवारिक समस्या आपकी हल होगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मिथुन राशि, धन की समस्या हल होगी, स्वास्थ्य की समस्याएं दूर होंगी, रिश्तों के मामले में आपके सुधार होगा। हनुमान चालीसा का अगर एक बार पाठ कर लें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कर्क राशि, महत्वपूर्ण काम आपका रुक सकता है, खान पान में थोड़ी सावधानी रखें और चोट चपेट को लेकर के सावधान रहें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। अब आपको बताते हैं कि भाद्रपद के महीने के नियम क्या हैं और भाद्रपद के महीने की सावधानियां क्या हैं। देखिए, भाद्रपद के महीने में कच्ची चीजें, कच्चे फल, कच्ची सब्जी, ये सब खाने से परहेज करना चाहिए। दही का प्रयोग भाद्रपद महीने में नहीं होता तो दही का प्रयोग भाद्रपद महीने में करना पूरी तरह से वर्जित है। इस महीने में चूंकि मौसम अजीब तरह से बदलता है, इसीलिए इस महीने में रक्तचाप बढ़ने की, ब्लड प्रेशर बढ़ने की संभावना होती है, जिसका ध्यान जरूर रखना चाहिए। भाद्रपद के महीने में आलस्य बहुत होता है, इसीलिए इस महीने में शीतल जल से दोनों समय स्नान करना चाहिए, दोनों समय शीतल जल से नहाना बेहतर होगा। भगवान कृष्ण को भाद्रपद के महीने में तुलसी दल अर्पित करना और तुलसी दल को, तुलसी के पत्ते को चाय या दूध में उबाल करके पीना अच्छा होगा। सीधे सीधे तुलसी के पत्ते ग्रहण मत करिएगा, उसको चाय में, दूध में या पानी में उबाल करके
अगर आप तुलसी के पत्तों का सेवन करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे एक वास्तु टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, आर्थिक स्थिति में आपके सुधार होगा, उपहार और सम्मान का आपको लाभ मिलेगा। अविवाहित हैं तो आपका विवाह तय हो सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कन्या राशि, दौड़ भाग आपकी काफी रहेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, स्वास्थ्य आपका बेहतर होता जाएगा। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। तुला राशि, धन की स्थिति में सुधार होगा, संपत्ति की समस्या आपकी दूर होगी, स्थान परिवर्तन इस समय हो सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, परिवार में तनाव हो सकता है, अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें, महत्वपूर्ण निर्णय अभी टाल दें तो बेहतर होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। देखिए, भाद्रपद का महीना लोग समझते हैं कि भादो का महीना है, अच्छा नहीं होता, शुभ नहीं होता, लेकिन भाद्रपद के महीने में आपको ईश्वर की कृपा मिल सकती है और आपके पापों का प्रायश्चित हो सकता है। भाद्रपद के महीने में कौन कौन से व्रत आते हैं और कौन कौन से त्योहार आते हैं ये भी समझ लेते हैं। देखिए, भाद्रपद के महीने में गणेश चतुर्थी का बड़ा पर्व और गणेश महोत्सव का लंबा पर्व आता है। इस महीने में भगवान गणेश का प्राकट्य हुआ था, इसलिए इस महीने में, भाद्रपद के महीने में, भगवान गणेश की विशेष पूजा की जाती है। इसी महीने में भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं, बलराम जी का जन्मोत्सव मनाते हैं और भगवती राधा का जन्मोत्सव भी भाद्रपद के महीने में मनाया जाता है। इसी महीने में महिलाओं के सौभाग्य का पर्व हरितालिका तीज भी आती है और हरितालिका तीज भी महिलाएं मनाती हैं। इसी महीने में अनंत पुण्य प्राप्त करने का पर्व अनंत चतुर्दशी भी आता है, जिस दिन नारायण की पूजा करके विशेष तरह के वरदान आपको मिल सकते हैं। तो भाद्रपद में पहले आप भगवान कृष्ण की पूजा करिए कृष्ण पक्ष में, और शुक्ल पक्ष में भगवान गणेश की पूजा करिए। निरंतर अगर आप ऐसा करते हैं भाद्रपद के महीने में तो आपका कल्याण अवश्य होगा। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक वास्तु टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का
दैनिक राशिफल। धनु राशि, छोटी यात्रा के योग बन रहे हैं, करियर में आपकी जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मकर राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, स्वास्थ्य आपका अच्छा होता जाएगा, करियर की समस्याएं हल होंगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कुंभ राशि, करियर की स्थिति में सुधार होगा, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मीन राशि, काम की अधिकता रहेगी, पारिवारिक विवादों से बचाव करें, बड़े निर्णयों में सावधानी रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। ये तो रहा 12 राशि के लोगों का दैनिक राशिफल और भाद्रपद महीने की महिमा। अब जान लेते हैं वास्तु टिप। देखिए, टेबल कुर्सी पर आजकल ज्यादातर लोग भोजन करते हैं, लेकिन मैं बता दूं कि टेबल कुर्सी पर खाने के बजाय जमीन पर आसन डाल करके, आसन बिछा करके अगर आप भोजन करें तो ज्यादा बेहतर होगा। ऐसा करने से आपका पाचन तंत्र, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम हमेशा अच्छा बना रहेगा। अब जानते हैं दिनांक 20 अगस्त 2024 दिन मंगलवार का सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल हनुमान जी को गुड़ का भोग लगाइएगा, थोड़ा सा गुड़, और घर से निकलते समय उसमें से थोड़ा सा गुड़ खा लीजिएगा। अगर प्रातः काल या दिन के समय में आप ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत।